वेलकम स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। हम समझ रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या चीज़ होती है। आपने क्लास 10th में भी इसे पढ़ा हुआ था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में है वहाँ पर मेल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रादर देन फीमेल, बिकॉज मेल हैव एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। आज की क्लास में हम इसे वही क्लास 10th का एलेबरेशन पार्ट यहाँ पर क्लास 12th में कवर अप करेंगे और लास्ट में फिर क्लास 10th के कुछ नीट के कुछ क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन को थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से समझिए कि हम सब कुदरत के करिश्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ब्यूटी जो नेचर ने हमें या फिर हमारे लिविंग सिस्टम में प्रोवाइड कर रखी है, उस ब्यूटी को समझेंगे कि आखिर क्या एक ही तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन सारे इंडिविजुअल में है या फिर बर्ड्स में, हनी बी में, ड्रोसोफिला में अलग है। अगर अलग है तो कैसे अलग है। तो पहले अपन समझ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या चीज़। तो सेक्स डिटर्मिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द मैकेनिज्म। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल के जेंडर को स्पेसिफाई किया जाता है। तो हम डिफिनीशन लिख लेते हैं इसकी, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन the mechanism of sex determination decides the gender decides the gender of an individual। स्टूडेंट किस चीज को डिसाइड करेंगे, जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब जो इंडिविजुअल है वो हमारा इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल, मेल है या फिर फीमेल है। इस बात को डिफाइन करते हैं हम बाय लर्निंग द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसके जो वेज हैं, इसका जो तरीका है वो डिफरेंट है सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। उसी डिफरेंस को हमें समझना है। तो अगर इन जनरल हम बात करें कि सेक्स डिटर्मिनेशन के डिस्कवरर कौन थे, किन्होंने इनको डिस्कवर किया, या फिर कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन कंसेप्ट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हेन किंग। जी हाँ, मुर्गियों के राजा आप बोल सकते हो इन्हें, बट ऐसा कुछ नहीं था, ये मुर्गियों के राजा नहीं है। इट वॉज देयर नेम हेन किंग। हेन किंग इज अ साइंटिस्ट यू कैन से, जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन के आइडिया को प्रपोज किया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसेक्ट में सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के। आइए समझते हैं बेसिक कंसेप्ट को। बेसिक कंसेप्ट में अपन कंसीडर कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स को। तो अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट की कि क्या है कंसेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम पहली बात, ये जो डाइवर्सिटी है, ह्यूमन के केस में अलग पैटर्न है, बर्ड के केस में अलग है, हनी बी में अलग है, ये कैसे अलग है इसे समझेंगे। लेकिन अभी थोड़े से बेसिक कंसेप्ट रिकॉल करते हैं जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें किसकी, ह्यूमन बींग्स की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स की। सपोज मान लीजिए कोई ह्यूमन है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन है तो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगी, सेल। उस ह्यूमन की बॉडी से आपने क्या आइसोलेट कर लिया, सेल। इस पॉइंट पे जोर करिएगा, ये जो सेल है उस सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम। हमारा फोकस स्टूडेंट यहाँ पर क्रोमोसोम पर क्यों है। क्रोमोसोम पर इसलिए है बिकॉज अगर मैं आपसे कहूँ कि इन द ह्यूमन बींग्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस चीज पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर। किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर।
अब मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं नंबर में बोलूं तो इनको मैं क्या बोल सकता हूं? 46 क्रोमोसोम। तो हमने स्टूडेंट्स अभी की क्लास में ये समझना है कि ये जो 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, क्या ये सारे के सारे क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं? और एक बेसिक कंसेप्ट और क्लियर करें, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं? स्टूडेंट्स बोलते हैं 46। अब ध्यान से समझना, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितने क्रोमोसोम हैं। कैसे? ध्यान से समझे, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में कितनी है? अप्रॉक्स यू कैन से ट्रिलियन ऑफ सेल्स, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हमारी हर सेल के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब जो हमारी पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी की हर सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेल में प्रेजेंट है। तो इसीलिए आप समझ करके रखें कि ह्यूमन में हमने किसी एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया, उस सिंगल सेल के क्रोमोसोम पर हमारा फोकस है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दीज क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लें। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है किस पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में। कहाँ पर प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स हमारे? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल। कहाँ पर प्रेजेंट हैं ये? न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं हमारे क्रोमोसोम्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब समझते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स, क्या ये 23 पेयर्स सारे के सारे सेक्स को डिटरमाइन करेंगे? जी नहीं। कौन से करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें से आउट ऑफ 23 और 46 क्रोमोसोम्स, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपने पढ़ रखा है, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन मेल एंड फीमेल। जो मेल और फीमेल यानी कि बॉय और गर्ल, सन और डॉटर दोनों में सेम होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ये स्टूडेंट्स कितने हैं? दीज आर 1 to 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 1 to 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसे याद नहीं करना है आपको, रटना नहीं है, इसका कंसेप्ट समझें। अगर मैं आपसे कहूँ बॉयज और गर्ल्स में कितने क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप कहोगे कि सर बॉयज में टेस्टिस होती है, जबकि फीमेल्स के केस में ओवरी होती है। देयर आर एंड द साइज ऑफ ब्रेस्ट के बेस पे बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूँ तो देयर आर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज, लाइक मेल्स में 2 eyes हैं, फीमेल्स में भी 2 eyes हैं। मेल्स के पास 2 hands हैं, फीमेल्स के पास भी 2 hands हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी। दी सिमिलरिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज ड्यू टू द ऑटोसोम्स। किसकी वजह से है? ऑटोसोम्स की वजह से है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स हैं जो सेम हैं मेल और फीमेल में। तो मान लीजिए कि एक सेल के अंदर जो 1 to 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम है। क्लियर? इसी क्रोमोसोम में जीन है जो कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो ऑटोसोम्स हैं दीज आर 1 to 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जबकि एलोसोम्स, दीज एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। याद रखेंगे, एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? तो जो एलोसोम्स हैं और सेक्स क्रोमोसोम हैं बोथ आर सेम। तो अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम हैं दीज आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ये स्टूडेंट्स मेल और फीमेल में डिफरेंट हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। मेल के केस में ये कौन से हैं हमारे? एक्स एंड वाई। फीमेल के केस में ये कैसे हैं? एक्स एंड एक्स। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तो कहने का मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा? एलोसोम्स पर, या फिर अपन कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर। क्लियर? और अगर हम बात करें कि फीमेल के केस में और मेल के केस में, यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें तो मेल सेक्स को डिटरमाइन करेगा या फीमेल? तो आप लोगों को पता है मेल ही डिटरमाइन करेगा, ना कि फीमेल।
क्लियर? क्यों ऐसा कह रहे हैं अपन? बिकॉज जो फीमेल है वो एक ही तरीके का क्रोमोजोम दे सकती है, एक्स क्रोमोजोम ही दे सकती है, बट मेल कैन गिव एक्स और वाई। ये एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है। कहने का मतलब जो चाइल्ड है उसका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, ये फीमेल ना डिसाइड करके इस बात को कौन डिसाइड करेगा? मेल। इज इट क्लियर? इसे आप क्रॉस बना करके भी कर सकते हैं। तो अपन आगे मूव कर रहे हैं, इस क्रॉस को आप बना सकते हैं, इसलिए उसे अपन स्किप कर रहे हैं। तो चलिए आइए समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिक फंडा, कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ कहाँ पर हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट अकर्स इन वेयर, कहाँ पर हो रहा होगा स्टूडेंट ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा? ध्यान से समझें, हमें कहाँ कहाँ पर पढ़ना है इसे? ह्यूमन बींग्स में। क्लियर? नेक्स्ट वन ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है। इसके साथ साथ में हम लोगों को और कहाँ पर पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को? सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के साथ साथ में हमें पढ़ना है इंसेक्ट में। कहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट? इंसेक्ट में, जो आपके सिलेबस में है और नीट के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी अपन अभी टैकल करेंगे। पेशेंस रखें। इंसेक्ट के साथ साथ में और आपको कहाँ पर पढ़ना है? बर्ड्स में। कहाँ पर स्टूडेंट्स? बर्ड्स में। समझ पा रहे हैं? ह्यूमन में, इंसेक्ट में, बर्ड में, और इसके साथ साथ में आपको पढ़ना है हनी बी में। कहाँ पर पढ़ना है? हनी बी में, हनी बी, मधुमक्खियों में। जी हाँ, इस कंसेप्ट को समझेंगे, ध्यान से समझें। सेक्स डिटर्मिनेशन हम समझने चल रहे हैं कि ह्यूमन में कैसा होगा, इंसेक्ट में कैसा होगा, बर्ड्स में कैसा होगा, हनी बी में कैसा होगा। ये क्यों है स्टूडेंट्स? ये गॉड ने बनाया है। गॉड ने, जो ब्यूटी हमें समझनी है कि नेचर ने हनी बी में किस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है। आप लोगों को मैं अभी से बता दूं, हनी बी में हैप्लोडिप्लॉयडी का कंसेप्ट रन करेगा। कौन सा कंसेप्ट? हैप्लोडिप्लॉयडी का। जबकि बर्ड्स के केस में आप देखेंगे फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, ZW। जबकि इंसेक्ट के केस में आप समझेंगे एक्स जीरो का कंसेप्ट। ह्यूमन बींग्स के बारे में आप समझते हैं, तो थोड़ी सी इतनी बातें आप लिख लें कि हनी बी में जो सिस्टम रन करेगा वो कौन सा है? हैप्लोडिप्लॉयडी। ये हैप्लोडिप्लॉयडी कैसे है अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, डोंट वरी। हैप्लोडिप्लॉयडी, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन बात करें बर्ड्स के केस में, बर्ड्स के केस में ये जो सिस्टम है वो कैसा होगा? ZW, अल्फाबेट से अपन लिख लेते हैं। ZW आर द फीमेल्स, क्लियर? ZW क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल है। अभी हम इसे समझेंगे आगे कंटिन्यू करते हुए। और इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स जीरो सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? एक्स जीरो सिस्टम। सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है एक्स जीरो क्या है, अभी आते हैं इस टॉपिक पे तो समझ में आएगा। ह्यूमन बींग्स की बात करें, पहले हम ह्यूमन को टैकल कर लें, फिर इंसेक्ट को, फिर बर्ड्स को, देन हनी बी को। क्लियर? अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के केस में आपको पता है ह्यूमन मींस व्हाट, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये सब बात कर चुके हैं हम। अगर अपन देखें मेल और फीमेल की पे ही फोकस करें, दैट इज द सिंबल ऑफ स्टूडेंट्स मेल। ये किसका सिंबल है? मेल का। तो जो मेल है इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं? एक्स वाई। क्लियर? जबकि जो हमारी फीमेल है, इट इज द सिंबल ऑफ फीमेल। किसका सिंबल है स्टूडेंट? ये फीमेल का। और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं? एक्स एक्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम मूव करें, यहाँ पर इस मेल के हम गैमेट देखें। किसके गैमेट स्टूडेंट? मेल के गैमेट्स देखें, तो मेल के गैमेट कैसे हो जाएंगे हमारे? एक्स, नेक्स्ट वन इज वॉट? वाई। अब आप देख पा रहे होंगे मेल के केस में जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट बनेंगे। तो इसलिए मेल को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक। क्या टर्म यूज करेंगे? हेट्रोगैमेटिक। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ह्यूमन बींग्स में जो मेल है वो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेटिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेटिक। Is it clear, students? अब यहां पर अगर हम फीमेल की बात करें,
फीमेल कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी एक्स और एक्स, बिकॉज इनके पास वाई है ही नहीं, तो कैसा क्या बोलेंगे हम ये इनके गैमेट्स कैसे हैं, सेम है दोनों एक्स एक्स हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक लिख सकते हैं हम लोग, होमोगैमेटिक। क्लियर, इस बात को आप नोट कर लें कि ह्यूमन बींग्स में जो मेल इंडिविजुअल्स हैं वो हेट्रोगैमेटिक हैं, जबकि फीमेल्स कैसी हैं, होमोगैमेटिक। इज इट क्लियर, इसे इरेज कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया मेल का केस। अब सिंपली अगर हम बात करें इंसेक्ट के केस में, किसके केस में स्टूडेंट, इंसेक्ट के केस में, तो इंसेक्ट के केस में जो मेल हैं, जो मेल होंगे वो कैसे होंगे, एक्स जीरो, एक्स जीरो। क्लियर, ये जो एक्स जीरो है कहने का मतलब जो अगला क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट ही नहीं है। जब प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको हम हेट्रोगैमेटिक के केस में रखेंगे, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट। ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, मेल के लिए, आप समझ जाएंगे इट इज अ सिंबल ऑफ मेल। तो मेल के लिए ये कैसे हैं, हेट्रोगैमेटिक है, कैसे हैं, हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक है। क्लियर, जबकि फीमेल के लिए ये कैसे हैं, होमोगैमेटिक। फीमेल के केस में कैसे हैं, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। समझ में आ गई बात। इसका इंसेक्ट का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ड्रोसोफिला भी तो इंसेक्ट है। जी हाँ, ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है। क्या ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में जो फ्रूट फ्लाई है वहां पर ये एक्स जीरो सिस्टम वर्क करेगा, आप कहोगे सर करेगा, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, सारे के सारे इंसेक्ट में जो सिस्टम काम करेगा वो कौन सा है, एक्स जीरो सिस्टम है, बट द एक्सेप्शन इज ड्रोसोफिला। एक्सेप्शन क्या है, ड्रोसोफिला इज द एक्सेप्शन। ड्रोसोफिला इंसेक्ट है बट वहां पर जो सिस्टम काम कर रहा है वो कैसा सिस्टम काम कर रहा है, ह्यूमंस का। तो आप याद रखेंगे ह्यूमन बींग्स का और ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला इनमें कैसा सिस्टम काम करता है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई का, मतलब कि ह्यूमन बींग्स की तरीके, बट इसमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है इसे भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, इंसेक्ट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम काम करता है दैट इज व्हाट, एक्स जीरो सिस्टम। कैसा है, एक्स जीरो सिस्टम। एग्जांपल वाज इंसेक्ट का, आप ग्रॉस हॉपर बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, बट द एक्सेप्शन इज ड्रोसोफिला। एक्सेप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इंसेक्ट है बट वहां पर एक्स जीरो सिस्टम ना काम करके कौन सा सिस्टम काम करता है, एक्स वाई का। इसीलिए जो भी जेनेटिक्स में आप देखते थे टीएच मॉर्गन साहब लिंकेज के लिए फ्रूट फ्लाई को ही सेलेक्ट करते थे, क्यों, ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ड्रोसोफिला में स्टूडेंट्स, 8 क्रोमोसोम्स। नोट डाउन कर लें, ड्रोसोफिला में डिप्लाइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 8, और हैप्लाइड कंडीशन में कितने होंगे, 4। समझते हैं आप लोग, चलिए अच्छी बात है। तो आपको इतनी बात याद आ गई, समझ में आ गई कि जो इंसेक्ट में एक्स जीरो सिस्टम है, एक्स जीरो मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिफरेंट ही हैं, टू कॉपीज नहीं है, तो इनको हम हेट्रोगैमेटिक कंसीडर आउट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज फीमेल। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम सेम है, दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक्सेलेंट। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे बर्ड्स की, किसकी बात करेंगे, बर्ड्स की। अभी आप पेशेंस रखें, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में क्या डिफरेंस है इसे हम टैकल करेंगे, बट जो सिस्टम है वो एक्स वाई और एक्स एक्स का है, ये किस तरीके से डिफरेंस है क्वेश्चन के थ्रू टैकल करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। क्लियर, अभी पेशेंस रखें, बर्ड्स और हनी बी को थोड़ा समझ लेते हैं, इसे रेज कर लें अपन। आपने नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन कर लें, गुड। तो आइए समझे, समझते हैं हम लोग कि क्या सिस्टम होता है हमारी बर्ड्स के केस में, किनके केस में स्टूडेंट्स, बर्ड के केस में। ह्यूमन और इंसेक्ट को हम कवर कर चुके हैं, बर्ड्स पर फोकस करें। बर्ड्स में याद रखेंगे आप, बर्ड्स भी मेल हो सकती हैं और फीमेल हो सकती हैं, मेल हो सकते हैं और फीमेल, मेल हो सकते हैं और फीमेल। यहां पर आपको याद क्या रखना है, जो फीमेल है,
फीमेल है, वहाँ पर जो जेड एंड डब्लू, जेड एंड डब्लू से क्यों रिप्रेजेंट किया सर, एक्स वाई क्यों नहीं किया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो सके। ये जेड डब्ल्यू की जगह क्या सर और कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज की जो साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किए हैं, हमें उन्हीं को ओबे करके आगे मूव करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि फीमेल ह्यूमन के केस में, हम लोगों के केस में फीमेल एक्स एक्स होती थी, यानी कि होमोगैमेटिक होती थी, बट बर्ड्स के केस में जो फीमेल हैं वो क्या है? हेट्रोगैमेटिक। कैसी हैं? हेट्रोगैमेटिक, यानी कि ये सेक्स को डिटरमाइन करेंगी बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जबकि मेल के केस में अगर हम बात करें तो दीज आर जेड एंड जेड। अब आप ध्यान से समझें और अगर आप ह्यूमन बींग्स को कंपेयर कर पाएं तो आप देखेंगे ह्यूमन के केस में मेल में क्या होता था? एक्स वाई, लेकिन यहां पर क्या है? जेड जेड। कहने का मतलब यहां पर जस्ट अपोजिट है। क्लियर? फीमेल के केस, ह्यूमन बींग्स के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा था? मेल कर रहा था ह्यूमन बींग्स में। क्लियर? बर्ड्स के केस में कौन कर रहा है? फीमेल। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो कौन करेगा? मेल करेगा, बिकॉज मेल के पास क्या था? एक्स वाई, डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जबकि बर्ड्स के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है, जेंडर डिटर्मिनेशन का वर्क है, वो कौन कर रहा होगा? बर्ड्स के केस में अगर हम बात करें, बर्ड्स के केस में तो फीमेल। कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? फीमेल। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फीमेल क्यों करेगी? ड्यू टू द डिफरेंट क्रोमोसोम, और यू कैन से हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम्स। फीमेल यहां पर कैसी है? जेड व्हाट डब्ल्यू। आई होप आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। मूव करें आगे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने ये पॉइंट। एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हनी बी की। किसकी बात करेंगे? हनी बी की। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ये चीजें समझ में तो आ गई, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? चलिए क्वेश्चन भी कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में आपसे नीट में पूछा जाए, एक्स जीरो एंड एक्स वाई टाइप ऑफ, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इज अ एग्जाम्पल ऑफ। अभी तक जो आपने समझा है उस बेस पे ये नीट का क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा विच वन इज करेक्ट। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना ऑप्शन देखे कर सकते हैं? चलिए ऑप्शंस भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन इज मेल होमोगैमेटिक। सेकंड वन इज फीमेल होमोगैमेटिक। थर्ड वन इज फीमेल हेट्रोगैमेटिक एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज व्हाट? दीज आर द मेल होमोगैमेटिक, फीमेल होमोगैमेटिक, फीमेल हेट्रोगैमेटिक। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिया गया है मेल हेट्रोगैमेटिक। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से समझिए, अभी हमने पढ़ा कि एक्स जीरो क्या है, आपने पढ़ा है कि एक्स जीरो सिस्टम कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? इंसेक्ट में होता है, यानी कि ग्रॉस हॉपर में होता है। अभी भी अपन लोगों ने पढ़ा था इंसेक्ट में होता है, इसका एग्जाम्पल हमने ग्रॉस हॉपर पढ़ा था। एक्सेप्शन ड्रोसोफिला है, भी ड्रोसोफिला को हम टैकल करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, जो इंसेक्ट है वहां पर एक्स जीरो अगर है तो ये कंडीशन किसे रिप्रेजेंट करती थी स्टूडेंट्स? मेल को।
किसे रिप्रेजेंट कर दी थी? मेल को। क्लियर? अच्छा, ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, यानी कि हेट्रोग्रामेटिक। क्लियर? हेट्रोग्रामेटिक। दूसरी तरफ जो एक्स वाई है, ये आपको पता है अपना केस है, हमारा आपका केस, ह्यूमन बींग्स का केस है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? मेल है, समझ में आ गया। एक्स वाई है तो ये क्या होगा? मेल होगा। अब मेल ये होमोगैमेटिक है, ह्यूमन का केस है, तो ये जो मेल है ये मेल होमो है या हेट्रो है? होमो कब होता है? जब दो, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर क्या है? वाई है, मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये मेल कैसा होगा? हेट्रोगैमेटिक। कैसा होगा स्टूडेंट्स? हेट्रोगैमेटिक। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मेल कैसा है यहाँ पर? हेट्रोगैमेटिक है, ह्यूमन बींग्स का केस है। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शंस पे मूव करें, ये कह रहे हैं मेल का एग्जांपल है, ये बात तो सच है भाई, दोनों ही मेल हैं। मूव करेंगे आगे, ये कह रहे हैं होमोगैमेटिक है, क्या ऐसा है? जी नहीं। आपको अगर जीरो नहीं भी याद आ रहा है तब भी आप जान जाएंगे वाई कैसा है, हेट्रोगैमेटिक है, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट। फर्स्ट वन इज एक्स एंड द सेकेंड वन इज वाई। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड फीमेल होमोगैमेटिक। इट इज, कैन यू से दैट इज द फीमेल? फीमेल तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब यहां पर भी फीमेल दिया, फीमेल हो ही नहीं, है ही नहीं, तो बात ही नहीं हो सकती इनकी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज मेल हेट्रोगैमेटिक, दैट इज द लास्ट वन एंड द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताएं कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था, और प्लीज स्टूडेंट्स जो भी आपके सजेशंस हैं मुझे बताते रहें, ताकि मैं आपके लिए इससे और भी बेहतर लेक्चर्स डिजाइन कर सकूं। ड्रोसोफिला को हम समझने से पहले हम चाहेंगे कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करें इन अ हनी बी। इसे यहां पर लिख लें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। स्टूडेंट ये नेचर ने अलग अलग तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन के तरीके बनाए हुए हैं। हम किसे समझ रहे हैं? हनी बी को। किसे समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? हनी बी को। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो जितनी भी लाइनें मैंने बोली हैं सब आपके नेट में काम आने वाली। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बड़ी बेसिक सी बात बोलूं कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कब, मतलब कब डिसाइड होगा कि जेंडर मेल है या फीमेल है? ठीक है, तरीके तो अलग बात है, लेकिन कब? यानी कि बॉयज में अगर हम अपनी ही बात करें, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें या किसी का एग्जाम्पल लें, कि कोई भी इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा ये कब डिसाइड होगा? फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, और यू कैन से लास्ट मंथ, जब डिलीवरी हो रही होगी बेबी की, किस टाइम पे? तो आपको हमेशा याद रखना है जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये हमेशा कब होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को पता होगा आई थिंक, जिन्हें नहीं पता है प्लीज नोट डाउन कर लेंगे कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये किस टाइम पर डिसाइड होता है जेंडर? तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। भाई जब फ्यूज होंगे मेल और फीमेल गैमेट, उसी टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मेल होगा या फीमेल होगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे मूव आउट करते हैं हनी बी पर। हनी बी हमारा कैसा सिस्टम है यहाँ पर? हनी बी के केस में ये नेचर का एक कह लें बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि ये जो हनी बी है यहाँ पर हैप्लोडिप्लाइडी सिस्टम रन करता है। कैसा है स्टूडेंट? हैप्लोडिप्लाइडी सिस्टम। सर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये हैप्लोडिप्लाइडी चीज क्या है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, अभी की क्लास के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। हनी बी में जो सिस्टम रन कर रहा है वो कैसा है? हैप्लोडिप्लाइडी। हैप्लोडिप्लाइडी का मतलब क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्लाइड एंड डिप्लाइड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्लाइड एंड डिप्लाइड। सर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये हैप्लाइड और डिप्लाइड का कॉम्बिनेशन है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप लोगों ने सुना होगा हनी बी का नाम, ऑब्वियसली सुना है सभी ने। ये जो हनी बी हैं, हनी बी का जब कभी भी डिस्कशन होता है, आपने नाइन्थ में भी सुना होगा
कि जो हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब कहने का मतलब जो मधुमक्खियों का छत्ता है, क्लियर, उस छत्ते में, हनीकॉम्ब में एक क्वीन होती है, एक क्वीन होती है, क्वीन कितनी होंगी, सिंगल, और क्या होंगे वहां पर, वर्कर्स होंगे, और वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ड्रोन। आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जो मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा है, जो हनीकॉम्ब देखा है, उसमें एक ही क्वीन होती है और सारे क्या होते हैं, वर्कर्स और ड्रोन। तो जो क्वीन है इसका बॉडी साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है, इट इज बिगर देन वर्कर एंड ड्रोन। ये बिगर होती है किससे, वर्कर और ड्रोन से। तो जो क्वीन है, क्वीन सिर्फ और सिर्फ क्या करने का काम करती है, रिप्रोडक्शन करती है, यानी कि ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, क्वीन क्या है, फीमेल है। क्वीन क्या है, फीमेल है। अच्छा, ये जो वर्कर भी हैं, दीज आर व्हाट, वर्कर भी आर आल्सो फीमेल, वर्कर भी आर आल्सो फीमेल, वर्कर भी स्टूडेंट कैसी हैं, फीमेल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ये ड्रोन हमारी कैसी हैं, ड्रोन आर द मेल्स, ड्रोन कैसे हैं स्टूडेंट्स, मेल। तो आपको यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए एक कंसेप्ट, क्वीन फीमेल है, वर्कर फीमेल है, ये दोनों ही कैसे हैं, डिप्लॉइड, दोनों ही कैसे हैं, डिप्लॉइड। नोट डाउन कर पाएंगे, फीमेल भी ये कैसी है हमारी, डिप्लॉइड, क्वीन भी कैसी है, डिप्लॉइड है, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2n मींस डिप्लॉइड। अब अगर हम ड्रोन की बात करें, तो ड्रोन हमारा कैसा है, मेल है, और ये कैसा है, हैप्लॉइड, कैसा है स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड है, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, और ये कैसे हैं हमारे, डिप्लॉइड हैं, दोनों के दोनों। लिख दूं या फिर समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। अब यहां पर अगर अपन समझे कि हनी बी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हनी बी में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 32। कितने क्रोमोसोम्स हैं हनी बी में स्टूडेंट्स, 32। अच्छा ये बताइए, अगर हनी बी में 32 क्रोमोसोम हैं, तो क्वीन में कितने क्रोमोसोम होंगे, ऑब्वियसली 32। क्यों 32 होंगे, बिकॉज इट इज 2n कंडीशन है, ये डिप्लॉइड है, तो क्वीन में भी क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 32। जो हमारी वर्कर्स हैं, ये फीमेल हैं, ये भी डिप्लॉइड हैं, 2n है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, देयर इज आर आल्सो द 32 क्रोमोसोम्स। बट इन केस ऑफ ड्रोन, किसके केस में, ड्रोन के केस में, ये क्रोमोसोम का नंबर 32 ना हो करके यहां पर क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे ड्रोन में स्टूडेंट्स, ड्रोन हैव ओनली 16 क्रोमोसोम। नोट डाउन करेंगे कि ड्रोन में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 16, और साइज में भी ड्रोन सबसे छोटे होते हैं, और सबसे बड़ी कौन होती है, क्वीन। ये पॉइंट क्लियर है आपको, तो फिर से रिवाइंड कर रहा हूं, समझ लें, हनी बी में क्रोमोसोम्स कितने हैं, 32, क्वीन और वर्कर्स दोनों क्या हैं, फीमेल हैं, दोनों ही कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं, और क्रोमोसोम्स कितने हैं दोनों में, 32। बट जो ड्रोन है वो मेल है, और मेल कैसा है, हैप्लॉइड है, इसमें क्रोमोसोम्स क्या हैं, 16। तो ये जो पूरा फिनोमेनन्स है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, और यू कैन से इट इज अ सिस्टम वेयर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, या फिर ये कहें हम सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोले हम, सेट ऑफ क्रोमोसोम विल डिसाइड द सेक्स, सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विल डिसाइड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स यहां पर डिसाइड कौन करेगा, किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट, सेट ऑफ क्रोमोसोम, किस केस में, हनी बी के केस में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के केस। अब एक बात और आप नोट कर लें, जो क्वीन है ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी, वर्कर जो है ये नेक्टर कलेक्ट करेंगी, क्या कलेक्ट करेंगी, नेक्टर, नेक्टर समझते होंगे आप लोग, मकरंद जिसे बोलते हो, नेक्टर कलेक्शन का काम किसका है, वर्कर्स का। वर्कर्स में स्टिंजर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ड्रोन में अब्सेंट होते हैं।
ड्रोन का फंक्शन क्या है? ड्रोन मेटिंग का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं हमारे ड्रोन, मेटिंग का काम करते हैं। तो समझ पा गए आप लोग? पूरे हनीकॉम्ब में एक क्वीन दिखेगी, वर्कर्स ढेर सारे होंगे, ये नेक्टर कलेक्ट करेंगे और ये ड्रोन क्या करेगा? मेटिंग करेगा। क्लियर है? इसी चीज को और थोड़ा सा गहराई से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी क्या है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हनीबी में क्वीन क्या है, ड्रोन क्या है और आपकी वर्कर्स क्या हैं या फिर कैसे हैं। ध्यान से समझ लें, एक कंसेप्ट और है यहाँ पर। जैसे हम बात करें किसकी? क्वीन की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स? क्वीन की। क्वीन कैसी हैं? फीमेल हैं। डिप्लॉयड हैप्लॉयड आप समझ चुके हैं। अब ये जो फीमेल है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स? ओवम। क्या प्रोड्यूस करेंगी? ओवम। दिस ओवम इज ऑल्सो नोन एज एग। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? एग। क्लियर? ये जो ओवम या एग किसने प्रोड्यूस किया है? क्वीन ने। इस ओवम या एग के 3 इवेंट्स हो सकते हैं। कितने इवेंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर दिस ओवम। वो 3 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? आइए समझते हैं। ये जो ओवम है नेचुरल जनरल कंडीशन में ये ओवम किसके साथ में फ्यूज कर जाए? स्पर्म के साथ में। ये स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवम इज आल्सो नोन एज एग। ये जो ओवम है ये किसके साथ प्रोड्यूस कर जाए? स्पर्म के साथ। ये स्पर्म कौन ला रहा होगा? ड्रोन। कौन ला रहा होगा स्टूडेंट्स? ड्रोन। ऑब्वियस सी बात है, जब ओवम और स्पर्म फ्यूज करेंगे, ड्रोन ने प्रोड्यूस किया स्पर्म और ओवम किसने प्रोड्यूस किया? क्वीन ने। ओवम किसने प्रोड्यूस किया? क्वीन ने। ड्रोन ने क्या प्रोड्यूस किया? स्पर्म। इनके बीच में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ जिसे आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस हो गई? फीमेल। क्या प्रोड्यूस हो गई? फीमेल। ये जो फीमेल प्रोड्यूस हुई इस फीमेल ने क्या ईट किया, क्या खाया? रॉयल जेली। क्या ईट किया? रॉयल जेली। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नीट में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। रॉयल जेली, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ये जब फीमेल ने रॉयल जेली ईट किया, खाया, इसने न्यूट्रिशन लिया रॉयल जेली के थ्रू, तो इस फीमेल में ओवरीज का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ। एज अ रिजल्ट ये जो फीमेल है ये क्या बन गई? क्वीन बन गई। बात समझ में आ गई? तो क्वीन के केस में आपको याद रखना है दे ईट रॉयल जेली। क्या ईट करते हैं ये? रॉयल जेली। आपको स्टेटमेंट मिल सकते हैं एसर्शन एंड रीजन में भी। अब यहां पर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इवेंट क्या हो सकता है? ओवम किसके साथ फर्टिलाइज हो जाए? हमारा स्पर्म के साथ। और क्या बन जाए? फीमेल। क्या बन जाए? फीमेल। ऑब्वियसली फीमेल बनेंगी, लेकिन ये फीमेल्स कैसी हैं? वर्कर। कैसी हैं? वर्कर्स। याद रखेंगे आप कि ये जो वर्कर्स हैं, ये जो वर्कर्स हैं ये कैसी होती हैं? स्टेराइल होती। कैसी होती हैं? स्टेराइल होती हैं। जबकि यहाँ पर हम देखें क्वीन के केस में, तो क्वीन के केस में ये क्वीन कैसी है स्टूडेंट्स? फर्टाइल। क्वीन कैसी है हमारी? फर्टाइल। गेटिंग माई पॉइंट? तो जल्दी से फिनिश करते हैं। ये जो ओवम है ये ओवम किसी भी स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा और डायरेक्टली ये क्या बना लेगा स्टूडेंट्स? मेल। तो आप ध्यान से समझें कि यहां पर तीसरा इवेंट क्या हुआ? ओवम किसी के साथ फर्टिलाइज किया ही नहीं और ये डायरेक्टली किसमें डेवलप हो गया? मेल में। और जो फेनोमेनन हुआ, जो प्रोसेस हुई, उसे अपन क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको याद क्या रखना है कि ओवम बिना फ्यूजन के मेल के साथ क्या बना ले रहा है? मेल, जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं। और ये जो ड्रोन है ये आगे चल करके फर्दर किस प्रोसेस से मेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ड्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है? पार्थिनोजेनेसिस से। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। जल्दी से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं और ओवर करते हैं क्लास को। तो प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करें, बिकॉज कि टाइम कम है, वीडियो अपन ज्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय विच थिंग। किससे सेक्स डिटरमिनेशन होता है ड्रोसोफिला के केस में? तो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया हुआ था
ड्रोसोफिला का और ह्यूमन में XX और XY सेम कंसेप्ट रन करते हैं, बट द डिफरेंस वॉज, तो ध्यान से समझें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन हम किस में पढ़ रहे हैं, ड्रोसोफिला में, किस में पढ़ रहे हैं, ड्रोसोफिला में। आप साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस थी, इसे करवाने वाले साइंटिस्ट कौन है, केल्विन ब्रिजेस। कौन है स्टूडेंट्स, केल्विन ब्रिजेस। ये जो केल्विन ब्रिजेस हैं, इन्होंने दुनिया को ये बात बताई कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, कहाँ पर, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, ये किस पर बेस होता है, जेनिक बैलेंस थियरी पर। किस पर स्टूडेंट्स, जेनिक बैलेंस थियरी, किस पर बेस होता है, जेनिक बैलेंस थियरी। अब ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में जो क्रोमोसोम्स, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स वाई है तो आप बताओगे कि मेल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स एक्स और वाई है तो आप कहोगे कि ये क्या है, आप कहोगे कि सर दो एक्स है तो ये फीमेल होना चाहिए। नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के केस में वाई इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द सेक्स। कितने एक्स हैं उससे मतलब नहीं है आपको, मतलब किससे है, वाई से। अगर वाई प्रेजेंट है इसका मतलब वो इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल में वाई क्रोमोसोम पर होलेंड्रिक जीन प्रेजेंट होंगी, ये होलेंड्रिक जीन SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, या फिर अपन कह सकते हैं कि होलेंड्रिक जीन्स प्रेजेंट हैं जो टेस्टिस का डेवलपमेंट करेंगी, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को। तो सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। और ये जो वाई क्रोमोसोम है, इनमें होलेंड्रिक जीन जो प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन करेंगी हमेशा किसे, मेल को। तो आपको याद रखना है, इट डजेंट मैटर कितने एक्स हैं, सिर्फ वाई होगा क्योंकि वाई में होलेंड्रिक जीन है। लेकिन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, एक्स वाई किस पर डिपेंड करता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाई पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। किनके रेशियो पर डिपेंड करता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर और पेयर ऑफ ऑटोसोम्स पर, याद रख पाएंगे आप। चलिए ध्यान से समझते हैं, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको, एग जो है या फर्टिलाइज हो रहा है, पार्थिनोजेनेसिस, अभी अभी आपने पढ़ा ये किसका केस है, हनीबी का, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक्स और वाई क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग का केस है, ड्रोसोफिला में एक्स वाई होते हैं बट जेनिक बैलेंस थियरी नहीं अप्लाई हो रही, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। फिर आप थर्ड ऑप्शन रीड करें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ध्यान से समझें, यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। क्या सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम देखे जाते हैं, जी नहीं, यहां पर क्या देखा जाता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। दिस स्टेटमेंट इज राइट करेक्ट बिकॉज ऑफ द जेनिक बैलेंस थियरी। तो आप एक पॉइंट और यू नोट डाउन कर लेंगे कि एक्स बाई ए यानी पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स अगर वन आ रहा है, इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को, किसे रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। और एक्स बाई ए अगर हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 0.5, देन इट विल रिप्रेजेंट मेल, किसे रिप्रेजेंट करेगा, मेल को। मेटा फीमेल, मेटा मेल्स, इंटरसेक्स, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, नीट और एम्स तक के सारे क्वेश्चंस आपसे इससे हो जाएंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।